सर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का युग है और लॉकडाउन के समय इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं अनुरोध करूंगा अरविंद जी से, अरविंद जी जो इससे संबंधित आपका प्रश्न है वो कृपया माननीय मंत्री जी से पूछिए। नमस्कार सर। सर सरकार के प्रवक्ता होने के नाते आप, हेलो सर आवाज आ रही मेरी? सर सरकार के प्रवक्ता होने के नाते आप पर संवाद और विशेष रूप से सार्थक संवाद की विशेष जिम्मेदारी है। ऐसे में संवाद के विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम का आप प्रयोग कैसे करते हैं? साथ में आप नरेंद्र मोदी ऐप पर भी काफी एक्टिव हैं, उसके बारे में भी अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। देखिए अरविंद भाई, हमारे राज्य में हम लोगों ने लॉकडाउन में तो इसका पूरा उपयोग हमने टेक्नोलॉजी का किया ही है, लेकिन आप अगर इससे पहले जाएंगे तो देश के गिने चुने राज्य ऐसे होंगे जहां ई कैबिनेट होती है, हमारे पेपरलेस कैबिनेट होती है। हमारे राज्य में कैबिनेट में हम किसी प्रकार का कोई एजेंडा हमारा नहीं होता, सब हमारे लैपटॉप में होता है, उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अभी आने वाले समय में हम लोगों के जो सारे विभाग हैं, 85 विभाग हैं, सारे विभागों को हम ई डिपार्टमेंट के तौर पर कैसे करें, इस पर हमने वर्क करना शुरू किया था। आज हमारे कई विभाग इस दिशा में आगे बढ़े हैं और आने वाले अगले 15 दिन में, 10 दिन में हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट में पूरा प्रेजेंटेशन हमने लिया है, उसमें सारे विभागों को हम इस टेक्नोलॉजी से जोड़कर और इस रूप में हम देखेंगे। आज पूरा उत्तराखंड राज्य में जो हमारी विधानसभा है, उस विधानसभा को भी हमने इस दिशा में एक अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे अभी केवल मैं ज्यादा नहीं, लेकिन जो हमारा आईटी का डिपार्टमेंट है, हमने उस डिपार्टमेंट को इतना मजबूत उस रूप में तैयार किया है कि आने वाले समय में आप देखेंगे जो मैं आप पर में इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मेरे दफ्तर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और मेरे घर में ही ये सारी व्यवस्था है। आज भारत सरकार में हम लगातार जो अपना बैठ के करते हैं वर्चुअल, वो यहाँ से करते हैं, हम अपने टोटल विधानसभा से लगाकर और सारे डिपार्टमेंट की बातचीत भी यहाँ से करते हैं। और जो सोशल मीडिया का पूरा एक मैं कहता हूँ कि जो आज की तारीख में जो आवश्यकता भी बन गई है और जो आज इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जब लॉकडाउन हुआ तो हमें लगता होगा या लोगों को लगता होगा कि पूरी दुनिया कहाँ आगे खड़ी है, भारत कहाँ पीछे है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसके उपयोग की महत्व को समझाया और सारे विभागों को, सारे राज्य सरकारों को कहा, आज इस दिशा में पूरा देश पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ। मैं अपने राज्य के बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी का हमने भरपूर उपयोग किया। आज आप देखिए हमारे यहाँ जितने डिग्री कॉलेज है, हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ जितने इंटर कॉलेज है, वो सारे, हालांकि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच में ही हमने बड़ी सफलता के साथ अपने सारे स्कूलों को जोड़ने का काम किया है। और आज आप देखेंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग, चाहे क्लासे चलाने की बात हो, चाहे हमारी इस प्रकार की बैठकों की बात हो, हम इस प्रकार का काम करते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी ऐप से मैं पहले से जुड़ा, जब उस समय एक बड़ी पूरा अभियान आप लोगों के माध्यम से चलाया गया और उससे जुड़ने के बाद जो जानकारी मिलती है, जो देश की, दुनिया की और हमारे खासतौर पर योजनाओं की, वो एक बड़ा संसाधन बनता है लोगों को बताने के लिए कि देखिए आज हम इस प्रकार के निर्णय लिए हैं, इस निर्णय से ये फायदा हमें जाकर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अरविंद भाई इसका अपना कर और इसके माध्यम से हम केवल अपने राज्य को नहीं अपितु देश के उस धारा से जुड़ने का काम करेंगे जो आज पूरी दुनिया में जिसकी आवश्यकता है और भारत इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने विस्तार से उत्तर देने के लिए।